संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री एवं वीडियो के मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने शुरू कर दिया है। भाजपा इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का विरोध करते हुए जगह जगह पुतला दहन कर रही है। इसी क्रम में हाथरस के सिकंदरा राव में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राम प्रताप चौहान मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा ने बताया कि राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री के दावेदारी रखते हैं, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना बहुत ही गलत है। राम प्रताप सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, किस पद पर है? मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। जैसे कि तराय बाजार पर पुतला फूंका गया है, इस बारे में जानकारी दें। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करने पर वीडियो बनाना, इससे ज्यादा अपमानित करने का कोई काम नहीं हो सकता। हम कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का पुरजोर विरोध करते हैं, इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पुतला फूंका। जी, क्या लगता है पुतला फूंकने से, जो जिस तरीके आपने जो ये पुतला फूंका है, इससे कहाँ तक आपकी ये बात जाएगी? आप किसी को लेटर भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज्ञापन भी देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल। ऊपर के नेतृत्व तो हम भेजेंगे अपनी बात को। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज़ चैनल।